أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته एक बार फिर मैं आपको अपने चैनल हुक्का पीर में खुशामदीद कहता हूँ। वेलकम बैक। तो नाज़रीन, जैसे मैं आपको पहले बहुत सारी दुआएं बता चुका हूं, उसी सिलसिले में आज मैं आपको एक दुआ बताने लगा हूं कि जब भी हम वज़ू करने के लिए, यानी कि हम वज़ू करें, तो जैसे कि आप सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ देख सकते हैं कि जब वज़ू करना शुरू करे तो पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। इसका तर्जमा है, मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। तो नाज़रीन, वज़ू करने से पहले हमें बिस्मिल्लाह पढ़ लेनी चाहिए। और बाद हदीसों में आया है कि इसका वज़ू ही नहीं जिसने बिस्मिल्लाह ना पढ़ी हो, ये मिश्कात शरीफ की हदीस है। तो इसका हमें बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए कि हम वज़ू करने से पहले बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ लें। और एक और दुआ है जो सामने आप स्क्रीन पर लिखी हुई देख सकते हैं, अल्लाहुम्मा फिरली ज़म्बी व वसीली फ़ी दारी व बारिकली फ़ी रिज़की। अल्लाहुम्मा फिरली ज़म्बी व वसीली फ़ी दारी व बारिकली फ़ी रिज़की। तो ये दुआ है, यानी कि वज़ू के दरमियान में जब हम पहुँचें तो वज़ू के दरमियान में इस दुआ का एहतमाम करें। इसका तर्जमा है, ए अल्लाह, तू मेरे गुनाह बख्श दे और मेरे घर बार में वसत दे और मेरे रिज़्क में बरकत अता फरमा। कितनी ज़बरदस्त दुआ है, हमें इन दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। इसके ऊपर हम खुद भी अमल करें और अपने घर के लोगों को, आस पड़ोस दोस्तों को, अहबाब को इसके बारे में आगाह करें। ये एक सदक़ा जारिया है, जो भी इसको अपनाएगा इंशाअल्लाह उसको फ़ायदा होगा। तो नाज़रीन, तो फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना मत भूलें और कमेंट्स लाजमी दें और हमारी वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह अलैहि सलातुल्लाह व आलिही वल अहबा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह अलैहि सलातुल्लाह व आलिही वल अहबा।